मैडम, पता है इस वक्त मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? हॉस्टल। हॉस्टल का तुम्हारा कमरा, यहाँ वीकेंड्स में बैठकर हम लोग ड्रिंक्स लिया करते थे। साइमन गिटार बजाता, मार्क और तुम पॉप गाने गाया करते थे। Every breath you take. याद है, तुम और मालिसा किचन में खाना बनाने में लगे रहते थे और साइमन टेबल पर बैठकर कांटे और चम्मच से गिटार बजाता था। बाहर इतनी हवा चलती थी, इतनी ठंड थी कि हम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखते थे और इसी वजह से आप लोग शराब ज्यादा पीते थे। राइट। और मुझे हमेशा दो पैक के बाद चढ़ जाते और फिर मेरी बकवास शुरू होती और अंग्रेजी बोलते बोलते सुनील वर्मा पता नहीं हिंदी पर कब शिफ्ट होते थे, खासकर तब जब गाली देनी होती थी। याद है, लेकिन उसके बाद क्या होता था ये शायद तुम्हें याद नहीं होगा। तुम इतने लुढ़कते थे कि साइमन और मार्क तुम्हें अपने कमरे तक ले जाते थे। याद है? ऐसा नहीं लगता जैसे कल की बात है, हालांकि 5 साल बीत गए। 5 साल? 5 साल? Yes, 5 years, madam, 5 years. आपको अमेरिका छोड़े ही 3 साल होने को आ गया। You're right. वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब तक स्टूडेंट्स थे सब ठीक था, ग्रेजुएट होने के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। स्टूडेंट्स से तो हम अपनी मस्ती में रहते थे, बाहर की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं था। रियलिटी टीचर्स यू ऑल, यूनिवर्सिटी से बाहर आकर इतनी लात खानी पड़ेगी इसका अंदाजा ही नहीं था। फुटबॉल की तरह दुनिया यहां से वहां किक मारती रहती है और आपकी बार तो किस्मत ऐसी किक मारी है ना कि सीधा अमेरिका से यहां यहां आके गिर। तो अच्छा ही हुआ ना, इस बहाने तुमसे मुलाकात तो हो गई। अब ये बताओ कि यहां टिकोगे या वापस जाओगे? नो, नॉट एट ऑल। वापस नहीं जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है मैडम, कोई फायदा नहीं। वहां जाकर जो पैसा कमाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन जो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है ना उसका तुम्हें पता नहीं। हर जगह ये आपको एहसास दिलाया जाता है कि मैन यू आर अ सेकंड क्लास सिटीजन। ओके, क्या बात कर रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी में थे तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि तुम वहां स्टूडेंट थे, वहां बसने की कोशिश करो फिर पता चलेगा। एनीवे मेरा, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम बैक। चीयर्स टू दैट। थैंक्स। पर मेरा, मेरे दुआ करो किस प्रोजेक्ट में मैं सफल हो जाऊं। ये भी कोई कहने की बात है? अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ ये जॉइंट वेंचर हो गया ना तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। आई एम श्योर तुम इस प्रोजेक्ट में जरूर कामयाब हो जाओगे। चलो अब अपनी सुनाओ। क्या? राम कहानी। मैं खुश हूँ। हाँ, मजे में हूँ। बिल्कुल। काम कर रही हूँ। प्रमोशन मिला था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्रमोशन विद ट्रांसफर था। मुझे कलकत्ता में चीफ लीगल ऑफिसर बनाकर भेज रहे थे और मैं कलकत्ता जाना नहीं चाहती थी। क्यों? क्यों? मेरे ख्याल से मेधा ये बहुत ही अच्छा ब्रेक था तुम्हारे लिए, फिर पता नहीं मिले कि ना मिले। सुनील, अगर मैं वाकई अच्छी हूँ तो ये प्रमोशन मुझे दोबारा मिल सकती है, लेकिन उस प्रमोशन के लिए मुझे यहाँ जो कुछ भी खोना पड़ता वो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलता। आई सी। कौन है वो? कौन? क्या? मेधा, मैं तुम्हारी तरह एक लॉयर हूँ, समझ गई? अब मुझे झट से पता चल जाता है कि मेरे सामने जो क्लाइंट है वो क्या मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो कम ऑन, टेल मी कौन है वो? तुम जानते हो उसे। ओके, लेट मी गेस, ऋषभ मल्होत्रा। फैबुलस।
फैबुलस। इसी बात पे एक और हो जाए। नहीं, रहने दो सुनिए, तुम्हारे दो हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि दो के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। डोंट वरी, आजकल मैं अपने ड्रिंक्स होल्ड कर सकता हूँ। रियली? सो चीयर्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हाँ ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो शुरुआत हुई है। अरे चट पग्निपट ब्याह कर लो यार। क्या बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम लड़कियों की यही लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। पहले तो हाँ या ना करने में वक्त लगाते हो, फिर शादी के लिए हाँ करने में इससे भी ज्यादा वक्त लगाते हो। सुनील, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठ जाए बस। अरे वो सुना है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा, तो ये बताओ तुमने कोई लड़की पसंद की है या नहीं? अरे या ऑलरेडी कोई चक्कर चल रहा है? अपना कहाँ यार। देखो अब तुम सुनील मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ। I swear upon सच। No. अब ये तो मैं मानूंगी नहीं कि आज तक तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। पसंद आई थी ना एक, वो मेरे सामने बैठी है, बस इसी इंतजार में हूँ कि मुझे हाँ कर दे। और लेकिन अब तो कोई मुश्किल ही लगती है। इतने साल हो गए और तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझती हूँ। क्या करे मेधा, अपना दिल ही ऐसा है, एक मैग्नेट की तरह से एक बार जहां चिपक जाता है बस चिपक जाता है, वहां से हटने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस बार तो हटना पड़ेगा भाई, ऋषभ साहब जो आ गए हैं। मेधा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें एक मेरे लिए लड़की ढूंढ कर ला दो, तुम्हें तो मेरी पसंद पता है। मैं और क्या? ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाना वाना खाएंगी या नहीं? क्यों भाई, आज इतनी जल्दी भगाने का विचार क्यों? अरे सुनील तुम और पियोगे और यहाँ लुढ़क जाओगे, आज तुम उठाने के लिए साइमन और मार्क दोनों यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहीं कारपेट पे सो लेंगे। यहाँ मेरे घर में? और सॉरी। ओहो हाँ, ऋषभ साहब को बुरा लग जाएगा। नहीं? ये बात नहीं है सुनील, तुम मेरा घर तो देख ही रहे हो ना, और मेरे साथ मेरी छोटी बहन तो यहीं रहती है, फिर हम तीन जन इतने छोटे से घर में कैसे रह सकते हैं? हाँ और फिर ये अमेरिका भी नहीं है, इंडिया है, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, है कि नहीं? एनीवे यू हैव अ पॉइंट, ठीक है मेधा। पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुनील अगर मुझे अपने आप से ज्यादा किसी और पर विश्वास है। ये समझ में तो नहीं आता मैन। मेधा पलवर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुनील अगर मुझे अपने आप से ज्यादा किसी और पर विश्वास है तो वो तुम पर है। मैं ऋषभ से यही बता रही थी कि अगर हम एक रात एक ही बिस्तर पर गुजारें तब भी तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे इतना भरोसा है तुम पर। थैंक्स, मुझे पता नहीं था कि यू ट्रस्ट मी सो मच। आई डू। मैं खुशकिस्मत हूं सुनील कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद आती है। तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे एक अपना एक अच्छा दोस्त समझती हो, एंड आई एडमायर यू फॉर दैट। बाय थैंक्स।